हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। नदीम यार, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी वोमेन कमांडोज ट्रेनिंग वर्सेस इंडियन वोमेन कमांडोज ट्रेनिंग में। दोनों की ट्रेनिंग देख ही पता चलेगा वजाहत कौन सी आगे। बिल्कुल, तो देखेंगे तो तभी पता चलेगा। बिल्कुल, तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं, देखते हैं भाई साहब किसकी ट्रेनिंग वह सब ज्यादा खतरनाक है। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। ये तो निकाह भी पहने हुए। अबे तो मशीन गन चला रही हो तो तेरी ही पाकिस्तानी भी फिट मंगा रही है। मतलब स्टार्टिंग में बड़ी मस्त हुई मशीन गन से यार, काम नहीं है। खबर रोक जबरदस्त यार, निशाने पे मारा तो रॉकेट लॉन्चर को। नहीं मारना पड़ेगा यार, पाकिस्तानी का कमांडोज भी A1 है यार। मैं तो सोच रहा था नहीं जगह पे मारा, तबाह कर दिया। बजाज लेवल है यार, वाकई लेवल। अबे इतनी बड़ी बिल्डिंग से चलांगे मार ही नहीं यार, मानना पड़ेगा ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं। ओह कितनी बड़ी बिल्डिंग से नीचे आ रही हो वजह। मैं तकरीबन 8 to 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। आसान काम तो नहीं है। नहीं यार मस्त है यार मुकाबला। इधर पहले बता दूं टक्कर का बहुत गंदा मुकाबला होने वाला है इधर, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग हुई है ना पाकिस्तानियों की वो भी A1 हुई है। बड़ी A1 हुई है भाई, धाकड़। ओ जबरदस्त है, जब ना अपना टारगेट सेट किया उसको कर रही है ना, सेट कर रही है। वजह ट्रेनिंग हमारी भी वो में इनकी आर्मी की फैट है। हाँ हाँ अच्छी है भाई, 10-10 मंजिला से वो छलांगे मरा रहे हैं तो और क्या करें। रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करा रहे हैं, आसान काम तो नहीं है। ट्रेनिंग मास्टर देखो, अब आ गई है इंडियन वोमेन कमांडोज की ट्रेनिंग। देखते हैं इनकी ट्रेनिंग भाई। ये क्या ब्लैक ब्लैक लगाया वो? ये तो कांटो से गुजर रही हो यार। किधर है जो किसी की दिमाग पर जब गुजर रही है? वो किसी की वही कर रहे थे, अन्ना पाकिस्तानियों वाली कर रहे थे। ये तो आई थिंक ये मिशन की प्रैक्टिस है। ओए वो फंसी तो पानी में, वो तो शायद हाथ बांध के फेंका है खुद को। ये देखो कराटे कराटे सीख रही है वो। जा दिन की बहुत आगे हो यार, ये तो कोई किस तरह से ट्रेनिंग कर रही है यार। ये तो वही है जो इंडिया की लेडी ट्रेनर। बिल्कुल बिल्कुल, कितने सा पिस्टल है। अच्छा
ये देखो ये देखो गाड़ी सिक्योर कर लेवल है भैया, लेवल है भाई, मानना पड़ेगा। ये लो है कहीं ट्रेनिंग भाई, वो तो है थी यार। ए गन यार, ए गन यार भाई साहब, गन अलग हुई थी किस तरह तैयार की, तेजी से तैयार की। वो लेट गया ये ऊपर से सीधा सीधा। लेवल किया भाई, लेवल किया यार। पहले इंडिया की बड़ी जगह पाकिस्तानियों की मैंने देखी है, ये भी देखी है भाई। ये मुकाबला बहुत टक्कर का है, मुकाबला बहुत टक्कर का है भाई साहब, बहुत टक्कर। इधर हो रही है वीडियो खत्म भाई साहब, लेवल बहुत टक्कर का था, बहुत टक्कर का था भाई साहब। मैं हमारी भी कम नहीं थी, उन्होंने भी सही भाई, यकीन मानो कि भाई मुकाबला बहुत टक्कर का है। इधर हम अब क्या बोले, अब तुम लोग बताओ क्या सुनना चाहते हो भाई साहब। इधर इतना गंदा मुकाबला हुआ है कि मैं कहता हूं कि बोलने जोगे नहीं रहे हम लोग। के भाई अब देखो, जो पाकिस्तानी आर्मी ने वोमेन आर्मी की जो ट्रेनिंग थी, उन्होंने ऊपर बिल्डिंगों से छलांगे मारी, इन्होंने मारी, लेकिन मुझे इनकी एक बात जबरदस्त लगी, ये लेट के आई, ये लेट कर बीच में आई है, वो ऐसे मतलब आई यूं है। यूं सांप की तरह। मैंने कहा ये देखो ना, ये क्या चीज हुई है कि भाई साहब वो भाई सीधे यूं लेट के यूं नीचे आई भाई, वो उल्टा वो खड़े होके छलांगे मार के आ रही थी, लेकिन यूं ये नीचे आई है। मैं इधर इस चीज में इंडियन वोमेन आर्मी की कमांडोज की ट्रेनिंग को मैं इधर नंबर दूंगा कि वो जो लेट कर आई हैं। एक और भी है ना जो कांटों से गुजर रही हैं यार, वो देखो लेट के साथ गने भी पकड़ी हुई कांटों से, उसे सारे कांटे भाई साहब, वो वाकई में बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी अगर हमारी वोमेन आर्मी की तरफ देखो तो भाई उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स, ये तो इंडियन आर्मी वोमेन भी करती होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो भाई साहब उन्होंने भी किया मशीन गनों से भी फायरिंग की, बड़ा मजा आया देखकर। लेकिन देखो ये को देखा है। तो भाई साहब मार्शल आर्ट्स इनको सिखा रहे हैं, इनको भाई साहब कैसे अगले को सिक्योर करना है वो लाइव इनसे करवा रहे हैं कि भाई करो मिशन, दिखाओ कि तुम लोगों ने जो ट्रेनिंग की है उसका कितना तुम्हें फायदा हुआ है। उन्होंने वो यार फिर गाड़ी एक सिक्योर की और भाई वो गाड़ी को उन्होंने भगाया एम्बेसडर को और साथ वो ले गए। तो यार ट्रेनिंग का लेवल एक अलग है इंडिया का, ये मैं बात मानूंगा। हमारे यहाँ भाई सिंपल दे रहे हैं, गने चलाने को दे रहे हैं, बस बिल्डिंग से छलांगे लगवा रहे हैं, पर और चीजें तो नहीं सिखा रहे हैं ना भाई। इंडियन देखो गाड़ियां माड़ियां स्कोर करने का तरीका हर चीज बता रहे हैं, साथ मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं हर चीज। वही ना कि बंदा तुम्हारे करीब रहे, गन तुम्हारे पास ना हो तो अगले की माँ बहन कैसे करनी है, वो भी तरीका तुम्हें हो। अगर कोई आपको हैंड अप करता है, आप पिस्टल रखता है उसे कैसे आपने जान छुड़ानी, उसे कैसे छीनना है, वो तरीका वो भी सब कुछ सिखा रहे हैं ट्रेनिंग का, वो इसे में उन्होंने लाया हुआ है। ये चीजें होती है ना, मुकाबला बड़ा टफ था, बरवजह इंडिया को नंबर देने वाक्य ये बात माननी पड़ेगी कि भाई साहब इंडिया को इधर नंबर बनता है, बनता क्योंकि पाकिस्तान भी कम नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग। लेकिन यार देखो औरतों ने बहुत अच्छी की है, मानना पड़ेगा, लेकिन इंडियन जो ट्रेनिंग थी ना वो थोड़े से नंबर ले गई। एक तो वो बिल्डिंग वो जो लेट के नीचे आई है, वो एक उधर जो वो भाई साहब उनसे एक लाइव मिशन करा रहे थे, वो जो भाई साहब पानी के अंदर हाथ बांध कर उनसे छलांग लगाई है, भाई वो उनसे छलांगे मरा रहे पानी के अंदर कि अगर भाई तुम गलती से समुंदर के अंदर गिर जाओ या कोई भी सीन हो सकता है, अगला तुम्हें टॉर्चर करे तो भाई साहब तुम्हें वो चीज होनी चाहिए, बिल्कुल वो तजुर्बा होना चाहिए। ये चीज माननी पड़ेगी भाई इंडियन आर्मी की, भाई साहब उनको कोई नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग दी जा रही है उधर, ये चीज नहीं है ना भाई, सिर्फ गन की फायरिंग छलांगे लगाना ये चीज है, वही ना कि फायरिंग कैसे करनी है, ये वो ये चीजें इधर सिखाई जा रही है। लेकिन इंडिया में एक प्रॉपर ट्रेनिंग वुमेन को दी जा रही है कि हर चीज के अंदर वो बेस्ट जो कमांडोज हर चीज सीख सके, जिधर किसी किसी मुकाम पे परेशानी का सामना कर, पानी से लेके हवा तक मुकाबला बड़ा टक्कर का था अगर देखा जाए। बिल्कुल तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में।